हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्लास प्लस वन और प्लस टू के जो सिलेबस में अभी प्लस टू के सिलेबस में ऐड हुआ है फाइन आर्ट्स के, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द सेकेंड वीडियो। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो और आपको जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो गाइस शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हमारे जो टॉपिक्स रहते थे, जैसे कि कलर्स हो गया, टेक्सचर हो गया, टोन हो गया, साथ में स्पेस हो गया, ये चार टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं, जैसे कि कलर्स। सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, सीधा कलर से शुरू करेंगे। कलर्स इंट्रोडक्शन भाई करनी पड़ेगी, है ना। कलर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस है भाई, नहीं तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है ना। हर एक सरफेस जो है वो अपनी अपनी क्वालिटी दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, अब्सॉर्ब करता है लाइट को, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। हर एक कलर की एक स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस क्या होते हैं कलर्स के, बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं भाई, ग्रेट इन्फ्लुएंस है भाई, क्योंकि हमारे अगर मेंटल स्टेटस जो है और फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को स्टिमुलस करता है तो वो कलर्स है। मेरे को दिखाई दे रहा है मेरी चादर जो बिछी हुई है भाई, वो येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ऐसे ऐसे कलर दिखाई दे रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि भाई आप बहुत खूबसूरत है। अभी कोई मर जाता है तो वहां पे सभी ने व्हाइट कलर्स पहने होते हैं, है ना, लेकिन वहां पे कोई लाइफ नहीं है, है ना। तो ये चीज है। अब अभी अगर अपने अपने माइंड को अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे दिमाग पे, है ना। हमें पता है ना व्हाइट कलर है भाई, कोई मर गया है ना, लेकिन बाहर तो अंग्रेजों में तो व्हाइट कलर से शादी भी होती है ना, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम अपने इंडियंस के बारे में सोचे तो इसी तरीके से होता है। रेड कलर पहना भाई, भाभी नई नई है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कलर देखते हैं। इट इज प्रॉपरली पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट सेंसेशन विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन से ही हमें जो कलर्स हैं वो दिखाई देते हैं। इट इज नॉट एन एंटिटी बट ए सेंसेशन कन्वर्टेड टू द माइंड थ्रू द मीडियम ऑफ आईज। अगर हमारी आईज देखो वैसे कलर नहीं देख सकती, जब लाइट पड़ती है तभी हमारी आईज को कलर्स दिखाई देते हैं, तभी हमें पता लगता है कि भाई कौन सा कलर है, नहीं तो सारा कुछ ब्लैक ब्लैक है ना, काला काला। इट इज नॉट एन एंटिटी बट एक सेंसेशन है। लाइट कहां से आती है, सन से। एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, जैसे कि हमने देखा ना इंद्रधनुष बना होता है ना, वो चीजें दिखाई देती हैं। टाइप्स ऑफ कलर्स की बात करते हैं, बेसिकली थ्री टाइप्स के कलर्स होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शियरी कलर्स होते हैं। तीन तरह के कलर्स होते हैं, उसके बारे में डिफाइन करेंगे। प्राइमरी कलर सबसे पहले देखो, हमारे पास ये चार्ट भी दिखाई दे रहा है, साथ में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ये बिल्कुल प्योर होते हैं भाई, जो कि नेचर में डायरेक्टली हमें मिल सकते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स यूज करके इनको बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे रेड जो है वो प्राइमरी है, ब्लू जो है वो प्राइमरी है, येलो जो है वो भी प्राइमरी कलर है। तो हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स हैं हमारे, कोई और कलर जो है ये किसी भी कलर को मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। और कलर व्हील पे जो है ये मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी कलर्स टुगेदर है ना, हम इसको करके और कोई कलर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ब्लू, रेड, येलो, ये तीनों के तीनों प्राइमरी कलर्स हैं। सेकेंडरी कलर्स की बात करेंगे, चार्ट हमें फिर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मिक्सिंग करते हैं कोई प्राइमरी कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को मिला के हम ये कलर्स बनाते हैं, जैसे कि वायलेट हो गया भाई, है ना, ऑरेंज हो गया और साथ ही में ग्रीन हो गया। ये देखो वायलेट हो गया, ठीक है ना, साथ ही में ऑरेंज हो गया, साथ ही में यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी ये देखो ये यहीं पे क्यों है भाई, क्योंकि ब्लू और रेड दोनों को मिक्स करके बनेगा वायलेट, रेड और येलो को मिक्स करके बनेगा ऑरेंज, येलो और ब्लू को मिक्स करके बनेगा ग्रीन। ये बात आपको ख्याल रखना है, रेड प्लस ब्लू वायलेट, ब्लू प्लस येलो ग्रीन, ब्लू प्लस येलो ग्रीन, रेड प्लस येलो ऑरेंज, ठीक है ना। साथ ही में यहाँ पे टर्शरी कलर्स भी हमें साथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। टर्शरी कलर चार्ट फिर भी यहीं पे है, ये दो सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं या फिर प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वायलेट प्लस ब्लू हम इंडिगो बना सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही में ऑरेंज प्लस रेड जो है वो हम सेफ्रन बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही में येलो प्लस ऑरेंज जो है गोल्डन येलो, डीप येलो, सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, नेपल्स येलो, ये वो येलो ऑकर, बहुत सारे होते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे, एनालॉगस कलर,
कॉम्प्लीमेंट्री और ऑपोजिट कलर्स, वार्म एंड कूल कलर्स, न्यूट्रल कलर्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। एनालॉगस कलर्स देखेंगे। ये कलर्स एक ऐसा ग्रुप है, थ्री कलर्स होते हैं जिसके मतलब एक दूसरे के साथ लगते हैं, ठीक है ना, कलर्स व्हील के साथ एक दूसरे के साथ ही होते हैं। ये कलर स्कीम एक रिच मोनोक्रोमेटिक लुक बनाती है, मतलब कि किसी एक कलर के बीच में ही बनाती है। जैसे कि अभी मान लो कि येलो की पूरी फैमिली है, लेमन येलो है, कैडमियम येलो है, नेपल्स येलो है ना, येलो ऑकर भी है, ठीक है ना, और येलो ऑरेंज, ये सब इसकी फैमिली में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और ऑपोजिट भी हो सकते हैं। कलर्स दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील आर कंसीडर्ड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सेकेंडरी कलर्स जो कि हम ऑब्टेंड करते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ टू प्राइमरी कलर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री टू द थर्ड। जैसे कि ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन विच इज ऑपोजिट टू रेड, रेड प्लस येलो इज इक्वल टू ऑरेंज विच इज ऑपोजिट टू ब्लू, ब्लू प्लस रेड is equal to violet which is opposite to yellow, ठीक है ना, ये हमें बिल्कुल ख्याल रखना है। warm and cool colors की बात करेंगे, colors जो कि हमें एक heat की illusion देते हैं उसको हम warm color बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हमें remind कराता है जैसे कि सूरज है, आग है, ये warm है ना, गर्म है ना। red, yellow, orange ये warm colors है, ठीक है ना। साथ ही में cool colors जो हमें ठंडक पहुंचाते हैं, भाई ग्रास पे लेट जाओ ठंडक है, आसमान की तरफ देखो ठंडक है, पानी की तरफ देखो ठंडक है, पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता। कूल कलर्स आर दैट विच अवोक ए कूल फीलिंग बिकॉज़ ये हमें वाटर, ग्रास, इसके बारे में फीलिंग दिलाते हैं। भाई ब्लू हो गया, देखो कोई भी ब्लू हो, चाहे सिंपल ब्लू है, चाहे पर्शियन ब्लू है, चाहे कोई भी ब्लू है, ग्रीन है, एमराल्ड ग्रीन है, येलो ग्रीन है ना, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, पैरट ग्रीन है, सैप ग्रीन है, बहुत सारे ग्रीन है ना, पर्पल हो गया, ये सारे कूल कलर्स हैं और उनके साथ जितने भी मिक्सिंग करके बनते हैं वो सारे कूल कलर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल कलर, ठीक है ना। न्यूट्रल कलर वो जो ना तो स्ट्रांग है, ना ब्राइट है, और ना ही उनका कोल्ड इफेक्ट है, बस न्यूट्रल है भाई, चल रहे हैं, जिंदगी है, चल रही है, क्या करें, है ना। इट कंटेन इक्वल पार्ट ऑफ ईच थ्री प्राइमरी कलर्स, ठीक है ना, रेड, ब्लू और येलो। इसको कलर को हम वेरी लो सैचुरेशन क्लोज टू ग्रे होता है ये, ब्लैक, व्हाइट शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रे, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज न्यूट्रल कलर, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, देयर आर थ्री मेन प्रॉपर्टीज, ये हमें भी पता है भाई, है ना, ह्यू होता है ना, आपने अगर फोटोशॉप की हो तो वहां पे हमें पता लग ही जाता है, ठीक है ना। इफेक्ट्स ऑफ कलर्स देखते हैं अभी, देखो एट एवरी प्लेस कलर डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट, ऑब्वियसली बात है। जैसे कि हमने पहले व्हाइट कलर का बात किया था कि व्हाइट कलर जो है वो हमारे इंडियन में मतलब मर गया, लेकिन वहां पे शादी हो गई, बधाई हो बधाई, ठीक है ना, तो वो चीजें इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। रेड जैसे कि एक्साइटमेंट दिखाता है, फेस्टिविटी दिखाता है, रेवोल्यूशन दिखाता है, पेट्रियोटिज्म दिखाता है, वॉर, डेंजर, अनार्की, एंगर, हीट, फायर, लव, भाई इतनी सारी चीजें हैं, देखो रेड कलर इतना कुछ दिखाता है। येलो कलर ये चीयरफुलनेस दिखाता है, सनशाइन दिखाता है, वार्म्ड दिखाता है, लाइट, ब्रिलियंस, मतलब बहुत बंदा होशियार है भाई, विजडम है ना, किस्मत, ये चीजें शो करता है। ब्लू कलर रियलिटी, ट्रुथ, प्लेजर, वास्टनेस, सैडनेस, डिस्टेंस, मेंटल डिप्रेशन, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, ये चीजें दिखाता है हमें, ठीक है ना। साथ ही में ग्रीन कलर जो है वो क्या दिखाता है, रिलैक्सेशन, सॉफ्टनेस, प्लीजेंटनेस, स्प्रिंग, फेस्टिविटी, फर्टिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, जेलसी, वीकनेस, है ना, ये सारी चीजें हमें शो करता है। साथ ही में ऑरेंज कलर ये क्या है, नॉलेज दिखाता है, ब्रेवरी दिखाता है, हीट भी दिखाता है भाई, स्टिमुलेशन भी है, स्पिरिचुअलिटी है। आपने देखा होगा ना, ज्यादातर जितने भी बाबे हैं वो भगवे कपड़े पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी दिखानी है भाई उनको, नॉलेज दिखानी है उनको, ज्ञान है, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी भी पहनते थे। वायलेट कलर है ना, वायलेटर जो होते हैं उसको बोलते हैं रॉयलिटी, डिग्निटी, मिस्ट्री, डेथ, चीयरफुलनेस, ये चीजें दिखाता है, ठीक है ना। व्हाइट कलर पीस, यूनिटी, प्रायोरिटी, लाइट, ये चीजें हमें शो करता है। ब्लैक कलर ये डिप्रेशन दिखाता है, डार्कनेस, फियर, ईगो, ईवल, सैडनेस, है ना, ये चीजें दिखाता है। देखो ना, हम अंधेरे में जागते हुए डरते हैं, ठीक है ना, आज जब उदास हैं भाई क्या करें, क्या करें, है ना, उदास हैं तो है, डिप्रेशन, ये चीजें देखो इफेक्ट ऑफ कलर्स हैं हमारे इतने सारे। अभी हमारे पास टेक्सचर है, एट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्फेस ऑन विच यू पेंट और ड्रॉ द पिक्चर। वो ऑब्वियसली बात है, कोई शीट हो गया, कोई आपका कैनवस हो गया, कोई आपकी ऑयल शीट हो गई, कोई स्पेशल शीट हो गई, अलग अलग है ना, दीवार हो गई, देखो सभी चीज का अपना अपना टेक्सचर है। इट कुड बी स्मूथ, रफ, डॉटेड, लीनियर इन पैटर्न एंड मेनी मोर, और भी कुछ हो सकता है। इट इज द सरफेस,
है ना, क्वालिटी ऑफ मटेरियल इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एनीथिंग दैट हैज अ सरफेस हैज सम टाइप ऑफ टेक्सचर उनके पास होता ही होता है. टेक्सचर इज द वे अ सरफेस लुक्स एंड फील, दिखाई देती है और हम फील कर सकते हैं. अभी जमीन पर पैदल चल के देखना, कभी पैदल तो चलते ही चलते हो भाई, मतलब बिना चप्पल के चल के देखना, जमीन में भी एक टेक्सचर होता है. आपके फर्श का अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो और टेक्सचर है, टाइल का और है, ईंट का कुछ और है, मिट्टी का कुछ और है, बजरी का कुछ और है, कांच का कुछ और है, चल के तो देखो, ठीक है ना. तो देर आर टू वेज टू एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरियंशियल, इट इज दैट हम टच करके बता सकते हैं या फिर अपनी आईज के साथ बता सकते हैं. दो ही चीजें ना, देख के बता सकते हैं भाई कौन तरह है, टच करके बता सकते हैं बहुत स्मूथ है, अल्टीमेट ग्लोसी है ना. तो अभी हम साथ में देखते हैं, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ टेक्सचर होते हैं, टेक्टाइल एंड विजुअल. अभी देखते हैं इसके बारे में. टेक्टाइल ये एक रियल थिंग है जिसमें हम सरफेस जो है वो क्या है, सरफेस फील जो कि फेल्ट की जा सकती है, उसको टच करके फील किया जा सकता है कि भाई हाँ इस तरीके का है ना, रफ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सिल्की है, स्टिकी है, क्या है ना, दिखाया जा सकता है. 3D आर्ट सच एज कल्चर एंड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी नेचर में टेक्टाइल ही होते हैं जो कि हम फील कर सकते हैं. एग्जाम्पल सैंड पेपर, कॉटन बॉल्स, ट्री बार्क, लीव्स, कैनवस, रॉक्स, ग्लास, ग्रीन, लाइट मटेरियल है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो होती हैं. इवन द ब्रश स्ट्रोक यूज्ड इन द पेंटिंग कैन क्रिएट ए टेक्सचर सरफेस दैट कैन बी फेल्ट और सीन. इनको हम फील भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा कलर लग जाए मोटा हो जाता है ना, मोटा होगा भाई, खुरदरा हो गया है ना, देखा भी जा सकता है उसको. अभी विजुअल क्या है, देखो ये रियल टेक्सचर नहीं है, ठीक है ना. ऑल टेक्सचर यू ऑब्जर्व इन द फोटोग्राफ्स, जैसे कि हमने फोटोग्राफ्स में देखा ग्लॉसी है, ठीक है ना. जैसे कि हमने फोटोग्राफ में देखा आर्किटेक्चर है कि भाई ये 3D है, लेकिन वो है तो नहीं ना, क्योंकि फोटो में तो वो 2D है. द टेक्सचर में लुक रफ, फिजी, ग्रीटी, बट कैन नॉट एक्चुअली बी फेल्ट, इनको फील नहीं किया जा सकता. नो मैटर कितना रफ है सब्जेक्ट, कितना नहीं है, फोटोग्राफ में तो हमें सेम ही सरफेस पे वही ऐसा ही दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा, फ्लैट होगा अगर हम उसको टच करेंगे, है ना. आर्टिस्ट इल्यूजन बना सकता है टेक्सचर के साथ अपनी पेंटिंग में, इसको अप्लाई करके कि भाई हाँ किस किस तरीके के हम एलिमेंट्स जो है वहां पे यूज करेंगे, है ना. जैसे कि लाइंग है, शेडिंग है, कलर्स, इट इज क्रिएटेड बाय रिपीटिंग लाइंस. मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये लो, ये लो, ये क्या है, ये टेक्सचर है भाई, खुरदरा कहीं ना कहीं है ना. ये हमें, ये पूरी की पूरी लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये पूरे का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये ग्लॉसी है क्योंकि ये स्मूथ है ना, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं. अच्छा नेक्स्ट है हमारा टोन. टोन बोलने वाली टोन नहीं भाई, हाँ, कलर्स वाली टोन है ना. तो इन पेंटिंग टोन रेफर्स टू द रिलेटिव लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर्स, कितने लाइट हैं कितने डार्क हैं, अलग अलग तरह के कलर हैं. अभी देखो ये ग्रीन है ना, ये ग्रीन और तरह का ग्रीन है, ये ग्रीन और तरह का ग्रीन है, ये ग्रीन और तरह का ग्रीन है ना, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे टोन दिखाई दे रहा है. वन कलर हैव ऑलमोस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट टोन, कोई एक कलर मिक्स करो डिफरेंट टोन बन गया, एक कलर मिक्स करो डिफरेंट टोन बन गया. The difference in tone values is often called contrast, and it is used to make a work of art more interesting and expressive. कई लोग होते हैं ना वो एक ही कलर में सारा कुछ बना देते हैं, सिर्फ एक या दो कलर यूज करके, है ना, वही बना देते हैं. जैसे कि अभी आप मान लो कि हमारे मैप्स होते हैं इंडिया के, है ना, जैसे कि फिजिकल मैप हो गया है ना, उसमें आप देखना ज्यादातर ग्रीन कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर है ना, वही येलो कलर ग्रीन कलर येलो कलर ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, ये यही कलर यूज किए होते हैं बस, है ना, मतलब दो तीन कलर यूज किए हुए हैं. वी मिक्स व्हाइट इन द बेस कलर टू गेट लाइटर टोन्स दैट पर्टिकुलर बेस कलर, अगर हम उसमें ब्लैक करेंगे तो वो डार्क टोन मिल जाएंगे हमें, है ना. बाई मिक्सिंग एप्रोप्रिएट रेशियो ब्लैक एंड व्हाइट कलर इन द बेस कलर टू गेट परफेक्ट लाइटर और डार्क टोन हम उसको यूज करते हैं. टोन कैन बी यूज कैसे, टू क्रिएट ए कंट्रास्ट ऑफ लाइट एंड डार्क, इल्यूजन ऑफ फॉर्म टू क्रिएट अ ड्रामेटिक एंड ट्रैंक्विल एटमोस्फियर. अभी देखो ना ये आपको सांड दिखाई दे रहा है भाई, हमारा लोगो है हमारा सांड है ना, क्यों स्पीड का सांड है, ऐसे थोड़ी ना है ना, लेकिन ये सांड हमें कैसे दिखाई दे रहा है, देखो ना अभी मैंने उसको लाइट कर दिया तो वहां पे वो हमें लाइट दिखाई दे रहा है, मतलब एक फॉर्म हमें इल्यूजन क्रिएट हो गया कि ये सांड है, एक्चुअल में सांड थोड़ी ना है, है ना. तो अभी देखो टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है ना, कोई चीज डार्क कर दी मतलब डेप्थ है वहां पे, है ना, डार्कनेस है, लेकिन डिस्टेंस मतलब कि बहुत ज्यादा दूर है तो डल हो गया कलर, है ना, इसी तरीके से यूज करते हैं हम लोग. टू क्रिएट अ रिदम ऑपरेशन विद इन अ कंपोजिशन, ठीक है. साथ ही में अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्पेस. स्पेस आपको भी तो देनी चाहिए ना, अपने घर वालों को, बच्चों को, है ना, घूमने के लिए भाई स्पेस तो चाहिए चाहिए ना, है ना. इट इज द वन बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट, इट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन और द एरिया अराउंड,
आपके बीच में और आपके एरिया के बीच में। अगर मान लो एक कमरे में मैं आपको सभी को तून दूं वहां पे कि सब इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ, है ना, चलने की भी जगह ना हो, तो बोलोगे भाई स्पेस कहाँ है? अरे बच्चों के लिए स्पेस कहाँ है, बच्चों को भी तो स्पेस दे दो भाई, है ना। आप उनपे थोपते जा रहे हो, ये भी करो ये भी करो ये भी करो ये भी करो, भाई थोड़ी सी स्पेस तो दे दो बच्चों को, है ना। तो इस तरीके से इट रेफर्स टू अ डिस्टेंस बिटवीन ऑन द एरिया अराउंड एंड विद इन शेप फॉर्म्स कलर्स एंड लाइंस पाम्स टू बी सीन क्लियरली नीड स्पेस अराउंड देम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एज दैट डिफाइंस देयर शेप। अभी मान लो ताजमहल है, ताजमहल के आसपास इतनी सारी बिल्डिंग खड़ी कर दो तो वो क्या लगेगा ताजमहल? नहीं भाई, वो तो आम लगेगा, कोई राजा महाराजा की बिल्डिंग होगी होगी, चलो ठीक है। नहीं, वो ताजमहल इसलिए लगता है क्योंकि आसपास स्पेस है, खाली है, अकेला ही दिखाई देता है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, है ना। तो ये वर्किंग एरिया हम बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पिक्चर है हमारे पास, एक पूरी की पूरी ये है, ये हमारी पिक्चर है, ये हमारा एरिया है, ये क्या है, ये स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे काम करना है हमें। स्पेस बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार दो चीजें हैं, जैसे कि प्रिंटेड लाइन है आपके पेज में, है ना। अभी मान लो आपकी लाइंस होती है ना, आप जहां पे लिखते हो ना कॉपी पे, ये है ना, ये है, ये क्यों लगी हुई है भाई? स्पेस है, स्पेस दिया है, आप यहाँ पे काम कर लो, लिख लो, इसकी वजह से आपके आईज के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। स्पेस अराउंड द पेज गिव हिम पासिस टू द नेक्स्ट। टेक्निकली इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। दो तरह की स्पेस होती है। पॉजिटिव स्पेस क्या होती है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट और शेप विद इन आर्ट वर्क। मान लो ये हमारी पेंटिंग है, ठीक है ना, इस पेंटिंग पे हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव स्पेस है, ठीक है ना। इट इज एक्चुअल सब्जेक्ट और शेप विद इन आर्ट वर्क। इट रेफर्स टू द स्पेस और शेप रिप्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर हम पेंटिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट इज एन एरिया और पार्ट ऑफ द कंपोजिशन जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इट इज यूजली मेन फोकस ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि जैसे कि पॉट है, फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, कैंडल है, स्टिल लाइफ में, है ना, किसी बंदे का फेस है, नाइट मोड ऑन करके फोटो खींचते हो ना, तो मतलब वो पॉजिटिव स्पेस है जो आपका फेस आ गया, पीछे का नेगेटिव स्पेस है, ठीक है ना। हिल्स हैं, लैंडस्केप है, ट्रीज है, वहां पे सभी जगह पे होती है। देन यूज स्किलफुली पॉजिटिव स्पेस विल एड इंटरेस्ट बाय इनहांसिंग एंड बैलेंसिंग द नेगेटिव स्पेस इन द कंपोजिशन। आपको कितनी जगह खाली रखनी है, कहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ पे क्या नहीं बनाना है, ये सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, नेगेटिव स्पेस देखो इसमें भी है, जिस जहां पे हमारे स्पेस अराउंड और सब्जेक्ट मैटर के आसपास का एरिया है ना, वो सारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट के आसपास, ये एम्प्टी स्पेस भी हो सकती है, ओपन स्पेस भी हो सकती है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ब्रीदिंग रूम है एक तरह का, है ना, जो कि पेंटिंग को सांस लेने के लिए जगह छोड़ रहा है, बिटवीन बींग टू क्राउडेड, ताकि बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो, ठीक है ना। अभी इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, नेगेटिव स्पेसेस इट कैन बी यूज टू प्रॉम्प्ट व्यूअर्स टू सीक आउट सबटल हिडन इमेजेस। वहां पे आपको स्पेस दी गई है, आप काम करो, जो देख रहा है आपकी मर्जी, कुछ भी लगा लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी कर लो, है ना। वो अपने डिजाइन को अपने अटेंशन बनाता है, ठीक है ना, आपको अटेंशन देगा कि भाई ये स्पेस है, मतलब नेगेटिव स्पेस इज दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंट टू शो अप द पॉजिटिव स्पेस। अगर नेगेटिव स्पेस नहीं होगी तो पॉजिटिव शो ऑफ कभी भी नहीं होगी। अगर रात नहीं होगी तो दिन की इंपॉर्टेंस जो है वो हमें नहीं पता लगेगी। एस्थेटिक डिस्टेंस की बात करते हैं। ये देखो एक बहुत बड़ी बात है भाई एस्थेटिक। मैं बचपन में था ना, तो मेरे को मेरे टीचर बोलते रहते थे, मेरे एक सर थे वो बोलते रहते थे, भाई तेरे में एस्थेटिक सेंस नहीं है, चेयर रखी है एस्थेटिक सेंस नहीं है। मैं बहुत सोचता था ये एस्थेटिक डिस्टेंस है क्या, ये एस्थेटिक सेंस क्या है। तो यहाँ पे पता लगा, वन काइंड ऑफ स्पेस विच वी मस्ट नो लाइज बिटवीन द वर्क ऑफ आर्ट और बिहोल्डर सच ए स्पेस इज कॉल्ड एस्थेटिक डिस्टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल है, हम ताजमहल देख रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, स्टैटिक डिस्टेंस है, है ना। इट इज विजुअल अपील वुड बी लॉस्ट इफ नो स्पेस वाज लेफ्ट इन द फ्रंट ऑफ ह्यूज बिल्डिंग। अगर हम इसके सामने कुछ और बना देंगे ना, बाबा का मकबरा बना दिया या राम मंदिर बना दिया, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म। ब्लेस्ड बाय जिनरस ओपननेस ऑफ सराउंडिंग द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल स्टैंड मेजेस्टिकली ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसके आसपास हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक रूम है, देखो एग्जाम्पल है भाई, है ना, जहां पे हमें चलने फिरने के लिए भी जगह ना हो तो हम क्या करेंगे, भाई जेल हो गई, भाई कैद हो गई, जल्दी से निकालो, यहाँ पे मर जाऊंगा मैं तो, है ना। द यूटिलिटी ऑफ द रूम डिपेंड्स ऑन द एम्प्टी स्पेस, आर दे, किस तरीके के वो हैं या किस तरीके के नहीं है। तो गाइज हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का जो वीडियोस हैं, दोनों की दोनों बन चुकी हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने
फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, किसी के साथ भी करें, मर्जी आपकी। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबा देना ताकि हर चीज नहीं भाई हर वीडियो आपके पास पूरे टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।